नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। 3 साल का कार्यकाल होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। सरकार ने 22वें कमीशन का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें इसका कार्यकाल बढ़ा दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था। तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका नाम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है। 22वें कमीशन ने सरकार को कई मामलों में सुझाव दिए हैं। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, पॉक्सो एक्ट और ऑनलाइन FIR और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे शामिल हैं। UCC को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार है, लेकिन कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को UCC पर आम लोगों संगठनों से सुझाव मांगे थे। आयोग का मानना है कि ये मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। आयोग को 46 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। तब लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है, हमने कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता की राय मांगी है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने यूसीसी पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिकता संहिता समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा कानूनों को सांप्रदायिक नागरिक संहिता करार देते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण बताया था। पीएम ने कहा था कि ऐसे कानून जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटते हैं और असमानता का कारण बनते हैं, उनके लिए आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। लॉ कमीशन ने अप्रवासी भारतीय और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। आयोग ने इस परेशानी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने और ऐसी शादियों का भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है। 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने गुरुवार को गैर निवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों से जुड़े वैवाहिक मुद्दों से जुड़ी 287वीं रिपोर्ट कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी, जिसमें उन्होंने कई और सुझाव भी दिए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।